अल्लाह के रसूल सल्लम ने तकवे की ऐसी तालीम जो है सहाबा को दी कि सहाबा जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरा करते थे, किसी से नहीं डरते। हम देखते हैं कई कई जंग के अंदर ये चंद लोग हुआ करते थे और बड़ी बड़ी जो है उसके अंदर लोग बड़ी बड़ी जंगें उन्होंने चंद लोगों ने जीत ली। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने सहाबा की तरबियत ऐसी की, ऐसी तरबियत की थी कि वो किसी से नहीं डरते थे और वो एक एक जो है सौ सौ पर भारी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा उनको डर ही नहीं था, मौत का उनको डर ही नहीं था। मौत को क्या समझते थे कि मौत तो अल्लाह से मिलने का बहाना है, जरिया है। अल्लाह से मिलेंगे कैसे? दुनिया में तो मिल नहीं सकते, तो मौत के बाद ही अल्लाह से मुलाकात होना है। तो मौत को तो ये समझते थे कि ये तो सिर्फ अपने रब से मिलने की एक वजह है, ये मौत है। तो उसके लिए वो, क्योंकि सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए और आज तो मामला इतनी बड़ी हुकूमत जो उनके हाथ में आई, यानी आधी दुनिया से कौन ही दुनिया के बादशाह हो रहे, इतनी बड़ी जो है। हजरत उमर के ताल्लुक से आता है कि 30 मुल्कों के वो बादशाह थे, 30 मुल्कों के। यानी आज जिसके अंदर आज जो एक एक मुल्क जो उस वक्त उनके वक्त था, आज उस मुल्क के टुकड़ों के 40-40, 42-42 मुल्कों में बढ़ गए, अलग अलग इतने मुल्क हो गए। उतने बड़े 30 मुल्कों के यानी आधी दुनिया से ऊपर के वो बादशाह हुआ करते थे। लेकिन डर कितना था उनको, तकवा कितना था, इनके पास ना मकान था, मस्जिद के अंदर सोया करते थे। वो सफ़ीर का वाक्य हमने सुना, वो सफ़ीर आता है तो देखिए वो कैसे कि वो मस्जिद में रहते हैं, कि कहाँ रहते हैं, उन्होंने पूछा था, बोले इबादत खाने में। तो क्यों, वो बादशाह इबादत खाने में कौन रहता है? आप जहाँ भी जाएँ आप देखें, मंदिरों मस्जिदों चर्चों के बाहर उसके आसपास जो एरिया रहता है उसके अंदर कौन रहता है? भिखारी लोग रहते हैं, जिनके पास घर नहीं रहने को, तो वहीं रहते हैं। तो ऐसे लोग रहते, तो इस तरह इतने 30 मुल्कों की बादशाहत होने के बाद में भी वो इसी जगह पर रहते थे, यानी मस्जिद नबवी के अंदर जो टेका लगा के वहाँ पर लेटे हुए। उनके जो है कपड़ों पर छे जो है पेवंद हुआ करते थे, इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद इतना वो डरते थे। और डर के मारे कभी कभी जो है शैतान उनको, या जो है उनके मन में कुछ ख्याल आता, उनके मन में कुछ ख्याल आता कि अरे उमर तो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है। तो उसी वक्त जैसे ही ख्याल होता, लेटे हुए होते सीधे खड़े हो जाते, मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं, कह देते कि ये जो तुमको आज तुमको जो सल्तनत मिली है ये अल्लाह की वजह से मिली और इस्लाम की वजह से मिली है, नहीं तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। क्यों? अपने आप को जलील करते थे बार बार, ताकि अंदर ये ना है कि मेरी वजह से हुआ है, ये इस्लाम की वजह से और अल्लाह ने सल्तनत दी। तो वो किसी से नहीं डरते। लेकिन आज हम देखें कि मुस्लिम मुल्क आज भी है, मुस्लिम मुल्क आज भी है और बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन आज उनकी ताकत भी नहीं है इतनी भी कि वो जो है अगर किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर कोई जाकर ज्यादती करता है, उनको मार रहा है, कोई बम से उनको उड़ा रहा है, तो वो उनके ये भी नहीं कह सकते कि भाई थोड़ा देख लो यार, कम से कम स्कूल को तो छोड़ दो यार, अस्पताल को तो छोड़ दो, वहाँ मत करो। वो बोलने को भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को डोर कर छोड़कर सबसे डर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह से नहीं डर रहे। इसलिए आज उनकी ताकत इतने होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकते। वो तो कहते हैं कि जैसा आप, अगर उनसे पूछे भी कि हम ये इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि जैसा आप जो है अच्छा समझे, मुनासिब समझे ऐसा करें। उनसे ये भी नहीं कहते कि यार बच्चों को देखना, कि हॉस्पिटल को देखना, कि आज ये मामला हो गया, कोई बोलने को उसमें तैयार। जबकि अल्लाह ने उनको सारी नेमतें, आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने मुसलमानों के, मुस्लिम मुल्कों के उनके कदमों के तले रख दी। सोना आप देखें, चांदी आप देखें, ये सब जो मुस्लिम मुल्कों से निकलता है, यूरेनियम वहाँ से निकलता है, पेट्रोल वहाँ से निकलता है, डीजल वहाँ से निकलता है, यानी आधी से ऊपर दुनिया वहाँ के जो मादनियात है उसकी वजह से चलती है। लेकिन वो उसके बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, चाहे मुसलमान पर कितना भी जुल्म हो, लेकिन वो क्या उसके अंदर कभी भी नहीं, ये मुंह से नहीं बोलते कि यार हम इसको बंद कर देंगे, हम इसको बंद कर देंगे कि हम नहीं देंगे। वो डरते हैं, बोले नहीं अगर फिर बंद कर दिया तो फिर कौन लेगा, ये अब उससे डर रहे हैं। जबकि डरना किसने चाहिए? अल्लाह से। अगर अल्लाह से डरते तो फिर ये मामलात नहीं होते। तो वो सबसे डर रहे हैं लेकिन अल्लाह को उन्होंने छोड़ दिया। तो जब अल्लाह से डरते थे सहाबा, तो हम देखिए कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें उन्होंने जो है सब काम किए।